की तैयारी में लगे युवाओं के लिए खुशखबरी है। बेसिक माध्यमिक शिक्षा विभाग में होने वाली है बंपर भर्तियां। जी हां, 90,000 पदों पर भर्ती के जारी हो सकते हैं विज्ञापन। बेसिक शिक्षा में 51,000 शिक्षकों की भर्ती हो सकती है और माध्यमिक शिक्षा के एडेड स्कूलों में 15,508 पदों पर भर्ती हो सकती है। एडेड स्कूलों में एलपी ग्रेड प्रवक्ता पदों पर भर्ती होगी। तो सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा के एडेड स्कूलों में 15,508 एलटी ग्रेड और प्रवक्ता पदों पर भर्ती होगी और इसी महीने इसका विज्ञापन जारी हो सकता है। एडेड स्कूलों में क्लर्क के 2,971 पदों पर भर्ती होगी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से ये भर्तियां निकलेंगी। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा के राजकीय इंटर कॉलेजेस में एलटी ग्रेड के 8,166 पदों पर भर्ती की घोषणा सरकार पहले ही कर चुकी है। हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्टेड। शैलेश, अच्छी खबर, थोड़ा और डिटेल में बताएं। राज्य देखिए, इस समय योगी सरकार लगातार मिशन रोजगार में लगी हुई है और दूसरी तरफ 2021 जो है इसको आप चुनावी वर्ष के तौर पर भी देख सकते हैं और इसी क्रम में माध्यमिक शिक्षा विभाग और बेसिक शिक्षा विभाग में करीब 90,000 भर्तियां आने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसमें अगर बात करें तो 51,000 भर्तियां जो है वो सिर्फ बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के पदों पर हो सकती है। बेसिक शिक्षा में देखिए 2 बार भर्तियां निकाली जा चुकी है और इसके बाद भी करीब 51,000 पद जो है वो अभी खाली बताए जा रहे हैं। और फिलहाल अगर बात करें तो फरवरी में टीईटी के आयोजन की भी तैयारी हो रही है यहाँ पर, तो अगर फरवरी में टीईटी होता है तो उसके बाद परिणाम देने के बाद आगे चलकर शिक्षक भर्ती की परीक्षा भी सरकार जो है वो कराने के मूड में नजर आ रही है। बहरहाल जी जी, जल्द ही इसके बारे में तस्वीर और क्लियर की जाएगी। लेकिन अगर माध्यमिक शिक्षा की बात करें तो जो एलटी ग्रेड की भर्तियां हैं एडेड स्कूल्स में, उनके लिए विज्ञापन इसी महीने जारी करने की तैयारी है। इससे पहले भी एक बार विज्ञापन जारी हुआ था लेकिन कुछ अड़चनों के चलते कोर्ट की रोक लगी थी और अब नए सिरे से ये विज्ञापन जारी होगा। कुछ भर्तियां ऐसी भी हैं जैसे लिपिक के पद की अगर भर्ती की बात करें तो उसकी जिम्मेदारी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास रहेगी। वही कुछ ऐसी भर्तियां हैं प्रवक्ता पदों की जो लोक सेवा आयोग के पास पहले ही देखे दियाचन जा चुका है। तो कुल मिलाकर अगर देखें इन दोनों शिक्षा विभाग में तो लगभग 90,000 पदों पर भर्तियों की। और ये बड़ी खबर आप दे रहे हैं 2021 में, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं 2021 में जो ये 90,000 भर्तियां निकली हैं। शैलेश, आप दोनों ही विभाग मतलब माध्यमिक शिक्षा विभाग और बेसिक शिक्षा विभाग दोनों ही विभागों में भर्तियां होंगी, कब तक आपके पास रिपोर्ट्स हैं, कब तक ये इसके विज्ञापन आ जाएंगे? राजन देखिए, फिलहाल विज्ञापन की अगर बात करें तो इसी महीने से शुरुआत हो जाएगी, सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा विभाग से। बेसिक में कुछ समय जरूर लगेगा क्योंकि बेसिक में पहले सहायक अध्यापक से पहले टीईटी का आयोजन होगा फरवरी में, उसके बाद उसका रिजल्ट आएगा तो उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। लेकिन माध्यमिक की जो भर्तियां हैं उनके लिए, चाहे लिपिक हो चाहे बाकी एलटी ग्रेड हो, इनके लिए विज्ञापन निकलने की जो प्रक्रिया है वो इसी महीने खासतौर से एलटी की शुरुआत हो सकती है और अगले 6 महीने में इनमें से जो 90,000 भर्तियों की बात करते हैं अगले 6-8 महीने में अधिकतर भर्तियां जो है उनके लिए तैयारी है क्योंकि उसके बाद 2022 का जो चुनाव है, चुनाव बिल्कुल आपने ठीक कहा शरेश, चुनाव आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये चुनावी वर्ष है 2021 का, इसलिए इन भर्तियों को जाहिर सी बात है चुनाव के मद्देनजर भी जितनी जल्दी निपटाया जा सकता है उसकी कोशिश की जाएगी। बहुत धन्यवाद शैलेश आपका इन तमाम